शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसी भयंकर ध्वनि है जिसने अपने प्रभाव से मेरा अंतर दहला दिया है। मामा श्री, मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है। मैं अपने मुंह अपनी शक्तियों का बखान करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। परंतु विनय पूर्वक आपको बताता हूं, अपने गुरु वायुदेव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूं। विंतानंदन गरुड़ देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूँ। सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरु पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूँ। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूँ। और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूँ। हे युवराज अंगद, हे मामा श्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं, या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशल क्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान, आकाश में विशाल छलांग लगाओ। हनुमान लगाओ छलांग, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल जारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनय सांचे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीतामन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत हि सम भाई सनत बदन तुम राज स गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को बिन कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव हि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना की खोज में अर्णव लांघा बजरंगी ने दीर्घ छलांगा तन मन रघुवीरा को समर्पित वानर टोली देख अचंभित तेज अदम्य शक्ति अपूर्व उछले कपीश करी महेंद्र चूर वेग प्रबल से कर गए कूच अतुलित बल से राम गाथा महाबली हनुमत की कुछ कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान ये पृथ्वी में कंपन कैसे? ये भूकंप है या कुछ और? महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम काज हेतु जो ये अकल्पनीय एवं दिव्य उछाल ली इससे समस्त ब्रह्मांड चकित पृथ्वी भी कंपित हो उठी है।